नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में निशा की गौ सेवा पहल की लोगों ने की सराहना। निशा बांगरी ने गौशाला के निमित्त पत्रकार दिलीप चौकीदार के जन्मदिन पर गौशाला के लिए सगुण की सोने की अंगूठी का दान किया। बता दें कि आज बेटे के जन्मदिन पर मिली राशि की गौ सेवा के लिए समर्पित की गई है। बता दें कि इसके पूर्व गौशाला के निमित्त समाज सेवी मनोज वाधवा की सुपुत्री मान्या के जन्मदिन पर आयोजन में 70,000 रुपए की राशि मनोज वाधवा ने गौशाला को समर्पित की थी। इसी क्रम में बरकरार रखते हुए निशा बांगरी ने महावीर गौशाला में बेटे समयक का जन्मदिन मनाया। जिले भर से पहुंचे समाज सेवी आमला नगर के साई मंदिर परिषद स्थित हनुमान गौशाला का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वहीं समिति का प्रयास है कि समिति से जुड़े सम्मानित सदस्यों और आमजन के सहयोग से सुंदर गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके, जिसके लिए समिति के द्वारा अभिनव पहल की शुरुआत कर आमजन से अपील की है कि शादी की शाल रिजिक की शादी की शालग्राह जन्मदिन के आयोजन पर घर की बजाय गौशाला में ही भी आयोजित करें। और हनुमान गौशाला समिति के सुझाव पर समिति सदस्य डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरी और सुरेश अग्रवाल ने गौशाला पहुंचकर बेटे समयक का दूसरा जन्मदिन गौशाला परिवार और विभिन्न सेवाभावी समिति सदस्यों के बीच मनाया। गौरतलब हो कि आयोजन पूर्व उपस्थित जनों से उपहार न लेकर उपहार की राशि गौशाला में दान करने लोगों से अपील की गई। वहीं समयक के जन्मदिन पर मिली 21,000 रुपए राशि डिप्टी कलेक्टर बांगरी के द्वारा समिति को भेंट कर गौ सेवा कार्य में उपयोग की बात कही गई। बता दें कि हनुमान गौशाला निर्माण पूर्व निशा बांगरी के द्वारा अपनी सगुण की अंगूठी का दान भी किया जा चुका है। गौ सेवा के लिए समर्पित भाव से की जा रही प्रशासनिक अधिकारी की सेवाभावी पहल और आमजन के बीच उपस्थिति की सभी ने पूरी भरपूर प्रशंसा की। वहीं मैडम बांगरी उपस्थित जनों से गौ सेवा निर्माण में सभी से सहयोग की अपील कर रही हैं। उपस्थित कार्यक्रम में जिले भर से सेवाभावी संगठन प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल मंच और संचालन मनोज विश्वकर्मा ने किया और आभार गौशाला समिति अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीएन वासनिक तहसीलदार आमला, वीके पालीवाल स्टेशन प्रबंधक रेलवे आमला, संजय साहू आदि मौजूद थे। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।